हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रेम पांडे और आप देख रहे हैं एजुकेशनल हाइक्स। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। भाई साहब, आज जहां पर लाखों बच्चे नीट जैसे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं और ये डेटा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है, वहीं पर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो क्लास 12th क्लियर करने के बाद उन्हें ये तक समझ नहीं आता कि क्या करें लाइफ में आगे। और इसका कारण सिर्फ एकमात्र यही है कि आपने क्लास 10th के बाद गलत सब्जेक्ट चूज कर लिए। अब इस कंडीशन में आने के बाद कई बच्चे दोबारा 11th 12th करते हैं और कई बच्चे डिस्टेंस लर्निंग से अपना जो भी डिजायर्ड सब्जेक्ट है उसको 11th 12th वहां से पूरा करते हैं। अब आपको ये ना करना पड़े, आपको क्लास 12th के बाद ये ना सोचना पड़े कि किस लाइन में जाऊं या किस फील्ड में जाऊं, इसके लिए सही सब्जेक्ट्स क्लास 11th में ही चूज कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तुम कैसे कर पाओगे भाई, आज की वीडियो में मैं आपकी मदद करने वाला हूं। कैसे मदद करने वाला हूं, सबसे पहले तो मैं आपको इंडिया में जितने भी टॉप रेटेड सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, मतलब इंडिया के स्कूलों में आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ सकते हो 10th के बाद, उन सभी सब्जेक्ट्स को आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। साथ में इन सब्जेक्ट्स को पढ़कर आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं, प्लस उन करियर ऑप्शंस में सैलरी क्या है, वो भी आज के इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। और तीसरा, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि भाई साहब, अगर आपको मेरे बताए गए सब्जेक्ट्स, मेरे बताए गए करियर ऑप्शंस में भी कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं, तो मैं आपको एक क्राइटेरिया बताऊंगा कि क्लास 10th में कोई भी बच्चा कैसे एक करेक्ट सब्जेक्ट ले सकता है 11th 12th में अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। कैसे तुम चूज करोगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा कि भाई हाँ मुझे यही सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे ये चेक करोगे तुम अपने लिए, तो आज के इस वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बने रहिए भाई साहब इस चैनल पर, बस वो लाल वाला बटन है ना, उसमें सर दे के मारो, ईट दे के मारो, बस सब्सक्राइब कर दो, इतना है मेरा, ठीक है। अब आपको उसकी तरफ ले चलते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, यानी एक क्रॉस इंडिया क्लास 11th में एक बच्चा कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेकर पढ़ाई कर सकता है। तो मेरे दोस्त, अगर आप 12th के बाद मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो 11th में आप मेडिकल स्ट्रीम ले सकते हो, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और इंग्लिश के साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। अब कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको मिलेगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा। भाई मिनिमम 5 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट आप 11th में ले सकते हो। तो मोस्ट कॉमन बच्चे 5 सब्जेक्ट लेते हैं, जिसमें से 4 मेन सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, और एक ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अच्छा, अगर कोई भी बच्चा 12th के बाद इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसको 11th में इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स लेने होंगे, जैसे फिजिक्स लेना है उसको, मैथ्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है, इंग्लिश लेना है, और इन 4 मेन सब्जेक्ट्स के साथ वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ले सकता है। अगेन, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से अवेलेबल है वो मैं आपको लास्ट में बताता हूं, ठीक है। अच्छा, इंजीनियरिंग हो गई, मेडिकल हो गया, अगर आपको जनरल साइंस लेना है, जनरल साइंस में आप बायोलॉजी और मैथ्स दोनों लेते हो, कभी कभी इसको हम PCMB भी कह देते हैं, यानी इसमें फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है और इंग्लिश भी है, इनके साथ साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है। तो जनरल साइंस लेने का फायदा यह है कि 12th के बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपने बायो ही लिया है तो आपको बायो ही लाइन में जाना है या मेडिकल लाइन में जाना है। आप भाई 11th में अगर मैथ्स भी लेके पढ़ रहे हो तो आपके सामने वो भी ऑप्शन खुला रहेगा। तो जनरल साइंस में ये 5 मेन सब्जेक्ट है प्लस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, और अगेन ऑप्शनल कौन सा है मैं आपको लास्ट में बताता हूं। आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज, आप 11th में चाहो तो आर्ट्स स्ट्रीम से भी पढ़ सकते हो। इसमें मेन सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, प्लस इंग्लिश लैंग्वेज है, ये कंपलसरी है लेना, 4 सब्जेक्ट प्लस 5वां आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप कुछ भी ले सकते हो। ज्यादातर आर्ट्स के बच्चे फिजिकल एजुकेशन या ज्योग्राफी ले लेते हैं या सोशियोलॉजी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉमर्स की बात करते हैं, आर्ट्स तो हमने देख लिया, कॉमर्स की बात करते हैं। भाई कॉमर्स में हमारे पास 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, और इसके साथ अगेन आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी ऑप्ट आउट कर सकते हो। अब आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं ये भी जान लो। अगर आप साइंस लेके पढ़ रहे हो तो साइंस के बच्चे ज्यादातर प्रीफर करते हैं कि वो या तो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस ले ले या वो कंप्यूटर साइंस लेकर पढ़ें। ये दोनों जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये साइंस के बच्चे ज्यादा प्रीफर करते हैं, बाकी भी बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट को वो प्रीफर करते हैं, लेकिन इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस और कंप्यूटर साइंस ये साइंस वाले बच्चे ज्यादा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आर्ट्स के बच्चों की बात कर लेते हैं, भाई ये साइकोलॉजी भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और कई स्कूलों में पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन जैसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स
आर्ट्स वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है। अच्छा, आर्ट्स हमने देख लिया, अब आते हैं कॉमर्स की तरफ। तो भाई कॉमर्स में आप बैंकिंग कर सकते हो, इंश्योरेंस ले सकते हो और एंटरप्रेन्योरशिप, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो लेकर आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। तो हमने आपको अलग अलग स्ट्रीम्स और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे वो अभी तक बता दिया है। अब इन स्ट्रीम्स और सब्जेक्ट्स को जानने के बाद आपका हक बनता है कि भाई इन सब्जेक्ट्स को लेने के बाद आपके पास कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज लाइफ में खुल जाती हैं ये भी जान लें। तो फटाफट चलते हैं सीधा पीसीएम की तरफ, यानी अगर आपने साइंस लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेके पढ़ रहे हो तो सबसे पहला आपके सामने भाई जो सब कहते हैं यानी इंजीनियरिंग कर लो आप, यानी इंजीनियरिंग अगर आप करते हो कि इंजीनियर बन जाते हो अगर आप, तो आप 8 लाख पर ईयर तक एक एवरेज सैलरी है और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। फिर आता है आर्किटेक्ट की बारी, आप अगर पीसीएम लेकर पढ़ रहे हो तो आप आर्किटेक्ट भी बन सकते हो या इसको हम डिजाइनर भी कह सकते हैं। इनकी सैलरी अच्छी होती है, यानी 16 लाख पर एनम तक एवरेज सैलरी होती है, ये 40 लाख तक जा सकता है पर एनम अगर आपके पास काफी एक्सपीरियंस है तो। अब बात आती है पीसीएम लेने के बाद अगेन एक और अपॉर्चुनिटी है आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने की, यानी अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करना चाहते हो, कोडिंग वगैरह आपको पसंद है, तो आप 11 लाख पर एनम की सैलरी, एवरेज सैलरी उठा सकते हो। साथ में पीसीएम लेने से आप एनवायरमेंटल साइंटिस्ट भी बन सकते हो जिनकी एवरेज सैलरी 8.5 LPA है इंडिया में। और इसके बाद भी है एक और अपॉर्चुनिटी जिसको हम रोबोटिक्स कहते हैं, और रोबोटिक्स की जो ईयरली इनकी जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी होती है, यानी 10 लाख पर एनम एवरेज सैलरी है, तो ठीक ठाक सैलरी है हमारी रोबोटिक्स की भी। और आपके पास एक आखिरी मौका है, अगर आप इन सभी में से कुछ भी ना कर पाओ तो आप एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर बन सकते हो, इनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, एवरेज सैलरी स्टार्टिंग की सैलरी इनकी 6 to 7 lakhs होती है, फिर 8.5 और 9 lakh पर एनम की एवरेज सैलरी होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि अगर आप मैथमेटिक्स लेके पढ़ रहे हो 11th में तो आपको 12th करने के बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं बायोलॉजी लेकर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी साइंस तो लिया है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स नहीं, बायोलॉजी लेके आप पढ़ रहे हो। तो भाई बायो करने के बाद ज्यादातर जो बच्चे करते हैं हमारा नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद वो मेडिकल डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, और अगर आप बायोलॉजी ले रहे हो 11th में तो आप अगर मेडिकल डॉक्टर बन जाते हो भाई MBBS करने के बाद, तो आप 9 lakh पर एनम की एवरेज सैलरी उठा सकते हो जो एक गवर्नमेंट डॉक्टर आज उठा रहा है, ठीक है। इसके बाद डेंटल सर्जन बन सकते हो आप बायोलॉजी लेके, डेंटल सर्जन की एवरेज सैलरी 14 लाख पर एनम होती है। आप नर्सिंग कर सकते हो, एक नर्स की जो एवरेज सैलरी है वो भले ही कम है 3 लाख पर एनम, बट ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती रहती है। और फिर आती है फिजियोथेरेपिस्ट, भाई आप अगर बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हो तो आप फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हो, इनकी एवरेज सैलरी है 10 लाख पर एनम। और अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन और है कि आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो बायोलॉजी लेने के बाद। भाई इंडिया में तो ट्रेंडिंग पे है न्यूट्रिशनिस्ट, आप इंडिया में रहकर 6 लाख पर एनम तक एज अ न्यूट्रिशनिस्ट कमा सकते हो। हालांकि ज्यादातर न्यूट्रिशनिस्ट खुद का अपना स्टार्टअप करते हैं जिसमें वो करोड़ों की कंपनियां खड़ी कर देते हैं। तो ये थे कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेने पर। अब हम आते हैं कंप्यूटर साइंस की तरफ। ये साइंस के ही बच्चे होते हैं लेकिन उन्होंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिया होता है, कंप्यूटर साइंस लिया होता है। तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया है 11th में 12th में, तो आप 12th के बाद आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं। आप भाई डेटा एनालिसिस्ट बन सकते हो, और इन इंडिया अभी ये डेटा एनालिसिस्ट का जो जॉब है ना वो ट्रेंडिंग पर है, और आपको ऑन एवरेज 8 से 9 लाख पर एनम की एवरेज सैलरी मिलती है। आपको इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सिखाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी भी कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करने पर आपको 6 लाख पर एनम तक की एवरेज सैलरी इंडिया में ही मिल जाती है। कंप्यूटर साइंस करने के बाद आप प्रोडक्ट डिजाइनर भी बन सकते हो जिनकी एवरेज सैलरी इन इंडिया 12.7 LPA है, यानी ऑलमोस्ट 13 लाख पर ईयर के हिसाब से। आप कंप्यूटर साइंस लेकर अगर आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है एनिमेशन, कार्टून मेकिंग में, स्केचिंग में, तो आप एनिमेटर बन सकते हो जिनकी इन इंडिया एवरेज सैलरी होती है 4.9 लाख पर एनम, और ये फ्रेशर्स के लिए है। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस्ड होते जाओगे आपके
कमाने के चांसेस, इनकम धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अगेन कंप्यूटर साइंस अगर आप लेकर पढ़ रहे हो तो आप गेम डेवलपर भी बन सकते हो, और इंडिया में गेम डेवलपर 8 लाख पर एनम कमाता है ऑन एवरेज। और आखिरी में अगर आप कंप्यूटर साइंस लेकर पढ़ रहे हो तो आप कंटेंट राइटर भी बन सकते हो, जिनकी जो ऑन एवरेज सैलरी है इंडिया में वो है 5 लाख पर एनम। अच्छा, अब हमने भाई साहब पीसी भी देख लिया, पीसीएम देख लिया, कंप्यूटर साइंस देख लिया, नाउ इट्स टर्न फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। अगर आप 11th में कॉमर्स लेते हो ना, तो मेरे हिसाब से यू आर इन द बेस्ट स्ट्रीम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज भर भर के हैं मेरे दोस्त। अब जैसे अगर आप कॉमर्स लेके पढ़ रहे हो तो आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हो, जिनकी ऑन एवरेज इंडिया में सैलरी होती है 8 लाख पर एनम। आप स्टॉक ब्रोकर भी बन सकते हो, जिनकी ऑन एवरेज सैलरी तो बहुत कम होती है, 4 लाख पर एनम। लेकिन स्टॉक ब्रोकर्स ना, वो एक्चुअली खुद इन्वेस्ट करते हैं और खुद प्रॉफिट लेते हैं, तो हम इनको सैलरी से आंक नहीं सकते हैं, ठीक है। और अगेन अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो तो आप 8 लाख पर एनम तक कॉमर्स लेकर अगर आप पढ़ रहे हो तो आप इंश्योरेंस कंपनी में भी जॉब कर सकते हो, जिसकी एवरेज सैलरी 8 लाख पर एनम होती है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर आप सब जानते होंगे, इनकी ऑन एवरेज जो सैलरी है इंडिया में वो है 17 लाख पर एनम। उसके बाद बैंक पीओ, जो कि गवर्नमेंट बैंक्स में आप पीओ बन सकते हो, इनकी ऑन एवरेज सैलरी होती है 7 लाख पर एनम। और अगेन आप कॉमर्स लेने के बाद एक एक्चुअरी भी बन सकते हो। एक्चुअरी वो पर्सन होता है जो किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला रहता है वो कितना प्रॉफिट देगा, कितना रिस्क है उसमें, ये वो प्रिडिक्ट करता है। तो एक एक्चुअरी की सैलरी इन इंडिया भाई साहब काफी अच्छी है, 13 लाख पर एनम है। सो दीज आर द करियर अपॉर्चुनिटीज जो आपको कॉमर्स लेने पर मिलती हैं। नाउ द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, यानी आर्ट्स वाले बच्चे अपनी लाइफ में कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज को ऑप्ट आउट कर सकते हैं। भाई सबसे पहले तो अगर आपने आर्ट्स लेकर पढ़ाई करी है तो आप सिविल सर्विसेज कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है आर्ट्स के बच्चों में। सिविल सर्विसेज में अलग अलग रैंक, अलग अलग पोस्ट होती है, और वो सभी रैंक पोस्ट आप इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, ठीक है। और ऑन एवरेज इसकी सैलरी 14 LPA है इंडिया में। नाउ आर्ट्स वाले बच्चे लॉयर भी बन सकते हैं। एक गवर्नमेंट लॉयर ऑन एवरेज 8 से 9 लाख पर एनम तक कमाता है, और प्राइवेट लॉयर वो इधर उधर से कमा लेते हैं, लेकिन ऑन एवरेज 5 LPA उनका भी होता है, ठीक है। आर्ट्स वाले बच्चे काउंसलर बन सकते हैं। ऑन एवरेज इंडिया में एक काउंसलर की सैलरी है 4.5 LPA। भाई काउंसलर अगर आपको नहीं बनना तो आप जर्नलिज्म भी कर सकते हैं। जर्नलिज्म का बहुत स्कोप है आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, जिनकी ऑन एवरेज इंडिया में सैलरी है 6.1 LPA। और उसके बाद आता है हॉस्पिटैलिटी वाला सेक्टर, जिसमें होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट जैसी चीजें आती हैं। और अगर आप हॉस्पिटैलिटी का कोई भी कोर्स करते हो, चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो, चाहे वो इवेंट मैनेजमेंट हो, तो आप ऑन एवरेज 3.5 to 4 lakh पर एनम इनिशियली कमा सकते हो। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी जो सैलरी होती है वो बढ़ती जाती है। अगेन आर्ट्स वाले बच्चे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में जा सकते हैं। भाई IR वाले बहुत कमाते हैं, 7.3 lakh पर एनम एवरेज सैलरी है इंडिया में एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप एसोसिएट का, तो आप देख सकते हो। तो भाई अब तक हमने देखा कि आपने जो भी स्ट्रीम लिया है उसमें आगे कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं इंडिया में करने के लिए। और अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो ना, तो अब आखिरी सेक्शन ऑफ दिस वीडियो यानी क्राइटेरिया की बात करेंगे हम, कि भाई कौन सी क्राइटेरियाज हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हो व्हाइल चूजिंग योर सब्जेक्ट्स इन क्लास 11th। यानी आप खुद से अगर कोई सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई कौन सा स्ट्रीम लू, कौन सा सब्जेक्ट लू, तो इन पॉइंट्स को अगर आप चेक करते हो, इन पॉइंट्स को अगर आप कंसीडर करते हो, तो आपको सब्जेक्ट चूज करने में काफी हेल्प मिलेगी। नंबर वन, देखो भाई ये लोग कहते भी हैं और ये बहुत ज्यादा सच है कि सब्जेक्ट यू स्कोर वेल इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू सब्जेक्ट यू लाइक। यानी जिस सब्जेक्ट में आपके नंबर अच्छे आए, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट को पसंद भी करते हो। कई बार नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं लेकिन उस सब्जेक्ट को पढ़ना हमें पसंद नहीं होता है। तो सब्जेक्ट पसंद कौन सा है ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको दूसरे पॉइंट से पता चलेगा। भाई टेक सब्जेक्ट दैट मोटिवेट्स यू टू लर्न मोर विथाउट बीइंग टायर्ड। वो सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का मन करे बिना थके हुए, वो सब्जेक्ट आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है। और मेरी मानो तो आपको वही 11th 12th में लेकर
पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको बिना थके मन लगेगा वो सब्जेक्ट पढ़ने में, है ना। मैंने भी यही गलती करी थी 10th में, भाई जिस सब्जेक्ट में नंबर अच्छा आया वही स्ट्रीम मैंने 11th 12th में ले लिया, एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। भाई आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया है, चूजन सब्जेक्ट मस्ट लीड यू टू द डिजायर्ड गोल। मान लो कि आपको इंजीनियर बनना है, आपके पूरे परिवार ने एक सपना देखा कि हाँ मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, लेकिन आपको आर्ट्स पसंद हो, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट पसंद हो, तो आर्ट्स लेकर आप इंजीनियर नहीं बन सकते हो, है ना। तो आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो वो आपको अपने मन पसंद गोल तक पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है, ये भी आपको चेक कर लेना। तो ये कुछ क्राइटेरियाज थे जिनको आप चेक कर सकते हो बिफोर चूजिंग एनी स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, और अगर आप भी क्लास 10 से 11th में जा रहे हो ना, तो ये वीडियो माइट हेल्प यू अ लॉट। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपनों का, मिलते हैं जल्द ही, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।